कहाँ? हाथ किसको हिला रहे थे? सामने हिला रहे थे। किसके? इधर से। अच्छा, हिला रहे थे। बड़ा इशाराबाजी बहुत करते हैं। अच्छा बोलिए, क्या नाम हो गया? भोला सिंह। हाँ जी, भोला सिंह। वाह क्या बात है, भोला सिंह। तो भोला जी, क्या कहना है आपको? कहना क्या है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके यहाँ से जा रही है, और कहना क्या है? एकदम कोई उपाय नहीं है, चुपचाप लालटेन छाप। और मोदी जी का जो जुमला फेंका गया है 2014 में, दो करोड़ रोजगार जुमला, एक जुमला नहीं है धरती पर, एक जुमला नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं वो हकीकत कहते हैं, और डंके की चोट पर कहते हैं। नवादा 2014, 2009, 2014, 2019 से लूट के ले गए 15 साल से। नवादा को क्या मिला? नवादा से लूट कर चले गए और कुछ नहीं मिला। इस बार पिछड़ा का बेटा मिला है, और नवादा का बेटा नवादा का ही नेता बनेगा। लूट करके जो गया है, जो लोग कहते हैं, ये बात सामने आई थी कि पार्लियामेंट भी गया, स्टेशन भी गया, रेलवे भी गया, तो पाकिस्तान गया कि इसी नवादा में है। नमस्ते, क्या नाम हो गया? अर्जुन यादव। हरिओम। अर्जुन यादव। अर्जुन यादव। अर्जुन भैया, जयराम जी की। जयराम जी की। तो क्या होने वाला है? जो होने वाला है वो होगा, या क्या होगा, लालटेन पर पड़ेगा। अच्छा, अर्जुन यादव जी कहते हैं लालटेन पर पड़ेगा, जो होना है वही होगा। जी बोलिए। पूरा हिंदुस्तान जो है मोदी मय है। जो राम, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। 4 जून 400 पार होने वाला है। पूरा विश्व जो है टकटकी लगाए हुए कि मोदी जी फिर से 4 जून को आ रहे हैं। हर हर महादेव। पूरा बिल्कुल मैं आया। 40 सेकंड सबसे पहले मैं आरजेडी को दूंगा। आपको चुनाएं तो क्यों चुने? ललटेन को लाएं, ललटेन को लाएं, लालटेन को लाएं तो क्यों लाएं? चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र का जो है, हमारे नवादा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हो। जो लोग बाहरी प्रत्याशी का समर्थन करते हैं, हम मानेंगे वो मूलतः नवादा के निवासी नहीं है, क्योंकि 15 साल से बाहरी उम्मीदवार आ रहे हैं और यहाँ से ठग के ले जा रहे हैं। और उसके बाद इस बार राष्ट्रीय जनता दल घर के बेटा को दिया है, इसलिए सभी नवादा जिला वासी जो है टूट कर उनको वोट दे रहे हैं, और भारी मतों से यहाँ राष्ट्रीय जनता। गजब का चुनाव है और गजब का ये बिहार है। मैं ये अक्सर कहता हूँ, बैठो चुपचाप, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिसने बिहार नहीं देखा उसने हिंदुस्तान नहीं देखा। प्रतीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, हम एक संस्कृत के श्लोक से अपनी बात शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बिल्कुल, अभिनंदन है आपका। जी जी, अयम निज परो बेति गणना लघु चेत सम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंब। क्या बात है, ये भारतीय संस्कृति है। जी जी, तो यहाँ वह कोई मुद्दा नहीं है, यह देश का चुनाव है। नवादा नगर निकाय के चुनाव नहीं है कि नवादा के बेटा होना चाहिए। जी बोलिए, कौन बोल रहा था? सर, हम कह रहे हैं कि नवादा में बोलते हैं कि बाहरी को भगा और घर का बेटा घर का नेता, तो आप दोनों नेता को बैठा दीजिए, आरजेडी के जो हैं और बीजेपी के जो हैं, ये दोनों में कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है? और बोलते काम का, तो देखिए बगल में आप, ये तिरंगा नहीं होगा, 10 साल पहले था, कम से कम तिरंगा आ गया, और उसके बाद स्टेशन बन गया, और उसके बाद 4 लाइन बन गया, और बहुत कुछ काम हो रहा है, बीजेपी कर रही है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार।